हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। डू यू नो व्हाट इज एक्यूट पेन एंड व्हाट इज क्रोनिक पेन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन? लेट्स कम टुगेदर, वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि एक्यूट पेन क्या होता है। तो एक्यूट पेन वो दर्द होता है कि जो कि आपकी बॉडी में एकाएक आता है और कुछ देर बाद वो दर्द समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सपोज़ करिए आपके दांत में दर्द स्टार्ट हुआ और वो दर्द 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद अपने आप ठीक हो गया, तो वो हो गया एक्यूट पेन। या आपने एक गोली खाई उससे वो दर्द ठीक हो गया, मतलब वो दर्द आया और थोड़े टाइम बाद वो दर्द फिर चला गया, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट पेन। अब बात करें तो क्रोनिक पेन की, दोस्तों क्रोनिक पेन वो पेन होता है कि जो आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम से चले आ रहा होता है। सपोज़ के लिए साल भर, 6 महीने, 2 साल से आपकी बॉडी में लगातार दर्द बना हुआ है, तो इस टाइप के हम दर्द को हम कहते हैं क्रोनिक पेन। सपोज़ के लिए किसी पर्सन को गाउट है, गठिया है, तो उस केस में उसके पैर में हमेशा दर्द रहता है साल भर से, 6 महीने से। कुछ आपको पर्सन ऐसे मिलेंगे जिनकी कमर में हमेशा दर्द रहता है 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से, तो वो पेन लगातार काफ़ी टाइम से बना हुआ है, तो इस टाइप के पेन को हम लोग कहते हैं क्रोनिक पेन। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग को डिफरेंस समझ में आ गया होगा एक्यूट और क्रोनिक पेन का। एक्यूट पेन है कि जो एक एक दर्द उठा और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गया। क्रोनिक पेन है कि जो दर्द आपको काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है और वो मतलब अब इलाज कराने के बाद ही जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक पेन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो मेरी आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।